हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। जी हाँ, अगर मैं बात करूँ आपसे तो कई लोगों के दिमाग में रहता है, जो नई नई तैयारी करने आते हैं ना, तो उनके दिमाग में हमेशा एक चीज सवाल रहता है, क्या भाई कि ये जो अर्थव्यवस्था है इसको मैं कैसे पूरी तरीके से तैयार कर लूँ। तो देखो, कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरे तरीके से तैयार नहीं कर पाओगे, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती होगी। उस गलती के लिए हमें देखो एक स्पेसिफिक पैटर्न पे काम करना पड़ता है, तभी आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर हो सकते हो। जी हाँ, गारंटी देता हूँ मैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के मास्टर हो जाओगे। पहला स्टेप क्या होता है, देखो पहला स्टेप होता है किसी भी चीज को रीड करना, यानी कि पढ़ना। मैं आपसे गारंटी देता हूँ इसी स्टेप पे आप हमेशा रुक जाते होगे, आपको पढ़ना ही नहीं है, कई बार जो है आपका मन नहीं लगता है, आप क्या करते हो इसी स्टेप पे रुक जाते हो, ठीक है। इसके बाद जो देखो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो हमेशा दूसरे स्टेप पे भी पहुंच जाते हैं। स्टेप नंबर टू क्या हो गया आपका, स्टेप नंबर वन से पढ़ के आप कहां चले गए, नोट्स बनाने पे। तो पहले पढ़ा आपने किसी भी चीज को, फिर उसके तुरंत नोट्स भी बना लिए कि लाओ भाई मुझे जो भी याद हो मैं तुरंत उसको लिखता भी चलूंगा, ठीक है। तो देखो ये दो स्टेप होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे तीसरे स्टेप के बारे में, यानी कि नोट्स बनाने के बाद क्या किया जाता है, तो वो हम लोगों के क्या होता है यहाँ पे, रिवीजन। जी हाँ, रिवीजन। तो देखो पहले आपने उस चीज को पढ़ा, फिर आपने उस चीज के नोट्स बनाए, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने सिंपली उसको रिवाइज किया, एक दिन दो दिन नहीं बल्कि 6 महीने। तो मुझे बताओ अगर ये 3 स्टेप अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लोगे तो आप क्वालिटी के मास्टर बनोगे कि नहीं बनोगे, ठीक है। आप खुद से सोचना, उसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो देखो ये तो बात हो गई किस चीज की, कि सर ये पॉलिटी की नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट की मैं तैयारी कैसे करूं, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप होते हैं, इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं, जब कैसे पढ़ा जाए, कैसे नोट्स बनाया जाए, कैसे उसको रिवाइज किया जाए, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। इस चीज को याद रखिए और उसी हिसाब से अपनी जो आपकी तैयारी है उसको बना के चलिए। जरूरी नहीं है कि आपके साथ वाले का अगर कोई पोर्शन बहुत स्ट्रांग है तो आपका भी होना चाहिए, आप उसे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सपने मत बुनो। हमेशा एक चीज याद रखो, लाइफ में आप परेशान आज क्यों हो, आप इसीलिए परेशान हो क्योंकि आपने कभी भी अपनी परेशानियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया। और अगर दूर करना है तो सबसे पहली बात आज से शुरू करो। अगर आज से अगर आप शुरू कर दोगे तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि वो समस्या आपकी लाइफ से तुरंत दूर भी हो जाएगी। जी हाँ, तो देखो अब अगर मैं बात करूं आपसे क्वालिटी की, बहुत ही मजेदार यहां से आपके लिए आपका सब्जेक्ट होता है यहाँ पे राज व्यवस्था की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखो राज व्यवस्था की अगर मैं आपसे बात करूं तो राज व्यवस्था का मतलब क्या मतलब होता है, राज व्यवस्था अगर राज व्यवस्था की बात की जाए तो राज व्यवस्था का मतलब होता है शासन, देश। बात करूं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो ये जो शासन है देश है यही तो हमारे लिए क्या है, राज व्यवस्था है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर छोटा सा लेटेस्ट में करंट में आजकल बहुत ज्यादा कॉमन नाम चल रहा है, अगर कोई नाम बता पाएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देने पर जरा, तो देखो यहां पर जो सबसे ज्यादा नाम चल रहा है वो क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी। क्या चल रहा है आपके आजकल, सबसे ज्यादा नाम नरेंद्र मोदी। तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए आपके कि भाई ये नरेंद्र मोदी क्या है, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ठीक है। चलो प्रधानमंत्री है ठीक है, लेकिन ये किस चीज से संबंधित है, ये प्रधानमंत्री है तो क्या करते हैं ये आखिरकार। तो इनका सिर्फ एक ही काम है, और वो काम यहाँ पे क्या होता है, देखो देखो एक चीज और जान लो, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे प्रधानमंत्री के बारे में, तो ये कार्यपालिका के भी सदस्य है, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए आपसे तो ये जो है लेजिस्लेटिव के भी क्या है, सदस्य होते हैं, यहाँ पे उसके तो मुखिया ही होते हैं, तो मेजोरिटी पार्टी के है कि नहीं है। तो देखो तुरंत आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरलिंकिंग करना है, इसको लेजिस्लेचर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग उसको लेजिस्लेटिव को कहते हैं विधायिका, ठीक है। तो देखो एक तरफ जो आपका प्रधानमंत्री है वो कार्यपालिका का सदस्य भी है और उसके अलावा विधायिका का भी सदस्य होता है। तो देखो इस चीज को हमें कैसे समझना है कि जो भी न्यूज में करंट में चल रहा है उसे हम लगातार क्या करते रहे, पढ़ते रहे, सोचते रहे और मनन करते रहे, यही की होती है किसी भी चीज को याद करने की, ठीक है। तो देखो अभी अगर मैंने आपसे यहां पे एक छोटी सी बात की थी नरेंद्र मोदी के बारे में, तो थोड़ा सा इस टॉपिक को हम लोग और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि भाई नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में, आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन कर दिया, क्या कर दिया भाई, लॉकडाउन कर दिया। तो देखो सवाल कैसे बनाता है एग्जामिनर भी, एग्जामिनर कहीं अलग से सवाल ही आता है, एग्जामिनर हमेशा उन्हीं पॉइंट से उन्हीं चीजों से सवाल लेके आएगा, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे लॉकडाउन की, पहली बात तो लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, लॉकडाउन का मतलब होता है कि आप घर से केवल आवश्यक चीजों के लिए निकल सकते हैं, वरना अनावश्यक कार्यों के लिए नहीं
जा सकते हैं। ये सीधा सीधा मोटा सा मतलब होगा किसके बारे में, लॉकडाउन के बारे में। तो आप कहोगे सर इससे जुड़ी हुई जानकारी मैं क्या इसमें समझूं, ठीक है, तो देखो लॉकडाउन से आपकी एक चीज समाप्त हो गई जिसके लिए आजकल आप बड़े परेशान भी हो, करें तो करें क्या आखिरकार, ठीक है। तो देखो लॉकडाउन के अंतर्गत यहां पे जो जिस चीज की आपके पास कमी हो गई वो किस चीज की कमी हो गई, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आजादी, ठीक है। आजादी को लेकर पता नहीं कितने लोगों ने आंदोलन किया, कितने लोग आजाद भी हो गए और कितने लोग आज भी क्या है, गुलाम है, ठीक है। तो देखो अभी तो फिलहाल तो हम सब लोग घर में क्या है, आज भी गुलामी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं फ्रीडम की आपसे, तो यहां पे जिस चीज का आपके हनन हो रहा है वो क्या है, फ्रीडम यानी कि आजादी, किसके कारण, लॉकडाउन के कारण। तो देखो एग्जामिनर कैसे सवाल बनाता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो एग्जामिनर सिंपली क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा कि भाई मुझे आर्टिकल 19 के बारे में जरा बता दो। आर्टिकल 19, तो आप तो किस चीज के लिए परेशान हो जाओगे, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं था। भाई पढ़ा आपने था लेकिन आपने कभी भी उस पर मनन नहीं किया था कि अगर आर्टिकल 19 है तो लॉ में जरा दो मिनट सोच के देखूं कि जो भी वर्तमान की सिचुएशन चल रही है इसमें कौन कौन से आर्टिकल लग सकते हैं। तो इसको कहते हैं एप्लीकेशन, क्या कहते हैं हम लोग, एप्लीकेशन। तो कोई भी आपकी पढ़ाई हो, मैं कह रहा हूं कि अगर आप भले ही आज एप्लीकेशन, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि आज भले ही आप किसी भी चीज सब्जेक्ट में कमजोर हैं, तो उसके लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो होती है एप्लीकेशन सब्जेक्ट की करना। तो जहां पर भी रियल लाइफ में जो भी मिले उसको तुरंत क्या करना है, आपको यहां पे अप्लाई करना, ठीक है। अब देखो मैंने बात की थी आपसे आर्टिकल 19 के बारे में, ठीक है, तो तुरंत यहां पे आपको अपनी कॉपी निकालनी है, इसको एक बार क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 आपका किस चीज से जुड़ा है, ये जुड़ा है आजादी से, इससे जुड़ा है आपका राइट टू फ्रीडम यानी कि आजादी का अधिकार, ठीक है। अब देखो यहां से और कैसे सवाल बनते हैं, राइट टू फ्रीडम ये किस प्रकार का है या क्या है आखिरकार, आर्टिकल 19 है क्या, किसमें आता है, ठीक है। तो तुरंत आपको यहां पे समझ में आना चाहिए कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, किसमें आता है आपका, फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब तुरंत आप परेशान हो जाओगे कि सर फंडामेंटल राइट्स तो ठीक था लेकिन इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार, क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। तो आप कहोगे सर ये मौलिक अधिकार तो ठीक है लेकिन सारे मुझे फंडामेंटल आर्टिकल्स भी नहीं याद है, तो इसका तरीका क्या है। तो चलिए इस कह रहे हैं थोड़ी सी 2003 में चर्चा करते हैं। तो देखो अगर किसी भी आपको जैसे मान लीजिए पॉलिटी आपको पढ़नी है, ठीक है, कैसे पढ़ा है, सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए हमारे दिमाग में, इसको किस प्रकार से तैयार किया जाए, किस प्रकार से इसको पढ़ा जाए, ठीक है। तो देखो कैसी, जैसे पॉलिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले पॉलिटी के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको उठाओ, क्या करना है हमें, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको उठाओ, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले समझो कैसे कैसे पढ़ना होता है, कैसे अलग अलग तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उनको पढ़ो, कभी भी ज्यादा मत पढ़ो जब भी स्टार्टिंग में होते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो हमें कुछ पता नहीं होता, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि आपका जो है वजन है लगभग मान लो 20 किलो और मैं आपसे कहूं कि नहीं 1000 किलो उठा के दिखा दो, उठा दो, नहीं उठा पाओगे, तो आप क्या करोगे वहां पे, आप क्या करोगे थोड़े थोड़े हिस्से में वहां पे वजन उठा सकते हो। तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पे कि आपने क्या किया, उन्हीं जो सारे टॉपिक्स थे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट उठा लिए, यानी थोड़ा सा वजन उठाया, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा वजन भी आपके लिए क्या हो जाएगा, आरामदायक भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब आपने जब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार क्या कर लिए, पढ़ लिए, ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ आपने इसके साथ में क्या कर लिया, अब इसके बाद आपने आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किया। पहले नहीं पढ़ा, मैं फिर बता रहा हूं, पहले आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, आपने वहां आर्टिकल्स पे ध्यान नहीं दिया, फिर आप किस पे पहुंचे, आर्टिकल्स पे। अब आप बहुत सारी आर्टिकल्स क्या होते हैं, इसे कहते हैं अनुच्छेद, क्या कहते हैं हम लोग, अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप किस पे गए, आर्टिकल्स। अब आप सब पूछ रहे हो कि अच्छा चलो आर्टिकल नंबर 1 किसके बारे में है, आर्टिकल नंबर आपका 61 किसके बारे में है, ठीक है। तो अब आपने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख गया, यहां पर भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आर्टिकल्स ही पढ़ने हैं, ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही जनरल वे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि 1 से 4 किससे संबंधित है, तुरंत आपको यहां पे आएगा नागरिकता से संबंधित है, किससे संबंधित है, नागरिकता से, उम्मीद करता हूं ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं 1 से 4 किससे संबंधित है, नागरिकता से, ठीक है। आप देखो एग्जाम में कैसे सवाल पूछेगा, ये आपने जनरल वे में पढ़ा है कि 1 से 4 नागरिकता संबंधित है, सवाल ये आपसे पूछ लेगा कि ये जो आपका आर्टिकल 3 है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3 है, ये किस चीज से संबंधित है, ठीक। अब चलो ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ऑप्शन में आ गया आपका मूल अधिकार, ठीक है, एक ऑप्शन क्या ले लिया आपने,
मूल अधिकार ले लिया। दूसरा ऑप्शन आपने ले लिया यहां पर राष्ट्रपति, क्या ले लिया आपने? राष्ट्रपति। और वहीं जो आपने तीसरा ऑप्शन ले लिया वो ले लिया आपने नागरिकता प्राप्त करना। ठीक है, तो देखो एक से तीन की अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे, ठीक है, देखो एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर लेना, नागरिकता तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पे राज्य होते हैं, क्या होते हैं? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ये इससे संबंधित होता है आपका, ठीक है। तो आर्टिकल तीन के अंतर्गत अब जो आपका यहां पे नेक्स्ट अगला ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? आंध्र प्रदेश का निर्माण, क्या आ जाएगा? आंध्र प्रदेश का निर्माण, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शन आ जाएगा तो इससे आपको तुरंत क्लिक क्या करना चाहिए, आपने क्या पढ़ा था? एक से चार। आपको नहीं पता एक में क्या था, दो में क्या था, तीन में क्या था, चार में क्या था, लेकिन आपको इतना जरूर पता था कि इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को संबंधित कुछ था। तो आपने केवल वही मोटा मोटा, मैं क्या कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक से उठाया और यहां पे क्या करके सीधे सीधे मार दिया, लो आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पे क्या करते हो, सवाल करते हो, ठीक है। तो आंखों की कपट शायद ये शायद आपको तो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो यहां पे जैसे यहां पे लिख देता हूं आंध्र प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के अगर सवाल एग्जामिनर बनाता है तो आपको केवल क्या करना है, मोटा मोटा यहां पे याद रखना है और उसी के आधार पर क्या करना है, एग्जामिनेशन में सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते इसको। तो यहां पे अभी हमने बात की थी आर्टिकल के बारे में, ठीक, चलिए आगे समझते हैं। अब देखो, अब जब तुम आर्टिकल पूरे तैयार कर लोगे, ठीक है, तो आर्टिकल के साथ में एक और चीज आती है। कौन सी चीज आती है? आर्टिकल के साथ में एक और चीज आती है, उसको कहते हैं शेड्यूल्स। क्या कहते हैं? शेड्यूल्स, ठीक है। तो आर्टिकल के साथ साथ आपने शेड्यूल भी पढ़ लिया। शेड्यूल को हिंदी में कहते हैं अनुसूची। क्या कहते हैं? अनुसूची। और ये क्या हो गया आपका? अनुच्छेद, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। जिनके लिए नया है और जिनके लिए पुराना है वो भी समझे, ठीक है। तो देखो आपने आर्टिकल साथ में पढ़ लिया, साथ में क्या पढ़ ली? अनुसूची, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर आर्टिकल और शेड्यूल। अब आपको क्या करना है? अब आपको बैठ के कुछ नहीं एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू ये क्या होता है? एमसीक्यू का मतलब होता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी जो ऑप्शन वाले मैंने आपको दिखाए थे। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा जरूरी है, तभी आपके जो आपको जो पकड़ है ना इस अनुच्छेद शेड्यूल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बन पाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये पूरा पैटर्न क्लियर हो गया होगा। कैसे तैयारी करनी है? बहुत इजी है, केवल छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं सर, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं उन पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले मेन मुद्दे पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कि सर ये तो बताना ही पड़ेगा कि आज आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की देखो अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अभी तक का जो आपका पेपर का पैटर्न देखा गया है तो उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसमें से देखो एक होता है आपका नागरिकता। कौन सा होता है? नागरिकता। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। इससे ना थोड़ा आगे बढ़ना है ना पीछे बढ़ना है, ठीक है। सिर्फ अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही देख रहे हैं। नेक्स्ट जो आपको उसके अलावा पढ़ना पड़ता है वो है मूल अधिकार। क्या पढ़ना पड़ता है आपको? मूल अधिकार। ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ना होता है एक टॉपिक को, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो एक हो गया सिटीजनशिप यानी नागरिकता और दूसरा क्या हो गया आपका? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आपको और पढ़ना पड़ेगा वो है डीपीएसपी, क्योंकि देखो इन तीन से लगातार कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो ये तीन टॉपिक तो मजबूत होने चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। फिर से दोहरा रहा हूं, तो डीपीएसपी को हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होती है कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हिंदी में क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो तीन टॉपिक हो गए, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया और डीपीएसपी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है केवल दो टॉपिक और पढ़ना है। कौन कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है, ठीक है। एक है आपका संसद। क्या है आपका?
एक है संसद, संसद से तो पता नहीं कितने एग्जाम में सवाल पूछे। कई बच्चे ये भी सोचे सर ने राष्ट्रपति अभी तक नहीं बताया, संसद बता रहे तो राष्ट्रपति भी हो गई होगा। तो देखो राष्ट्रपति से जब भी कोई सवाल आता है ना तो वो यूजुअली आर्टिकल से संबंधित होता है, लेकिन संसद से कई बार जब सवाल आते हैं ना तो सीटों के बारे में आते हैं, किस प्रकार से चुनाव हो रहा है, मनी बिल, तो ये सब किस में आता है आपका संसद में आता है, ठीक है। और इसके अलावा पंचायती राज, ठीक है। अगर ये जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पांच अपने तैयार कर लिए, फिर इसके बाद आप आर्टिकल्स पे आओगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो इसके पहले अगर मैं बात करूं आपसे नागरिकता के बारे में, ठीक है, तो आपको नागरिकता में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, नागरिकता में कुल कितने आर्टिकल, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, नागरिकता में कुल कितने आर्टिकल है आपके, पांच से लेकर के ग्यारह तक, ठीक है। तो ये जो पांच से लेकर ग्यारह देख रहे हो ना, इसको अभी वही साइड में, पांच से ग्यारह नहीं अभी याद रखना, अभी हमें यह पढ़ना है कि नागरिकता के अंतर्गत किस प्रकार से ली जाती है नागरिकता और किस प्रकार से छोड़ी जाती है, बस ये दो चीजें पढ़नी होगी, ठीक है, बिल्कुल निश्चित होकर के। नेक्स्ट है आपका मूल अधिकार, क्या है नेक्स्ट आपका मूल अधिकार, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अभी आर्टिकल्स पर ध्यान ना देना, अभी कंटेंट पर ध्यान देना, ठीक है। तो देखो मूल अधिकार के अंतर्गत अब तुम्हें जो पढ़ना है इसके अंतर्गत वो है आपका, यहां पर आपका जैसे मान लीजिए आर्टिकल है आपका मान लीजिए 15, कौन सा आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप कह सकते हो कि मूल अधिकार मेजोरिटी में याद कर लो, कैसे, तो देखो अगर मैं कह रहा हूं आर्टिकल 19, ठीक है, तो आर्टिकल 19 किसके किससे संबंधित है आपका, स्वतंत्रता से संबंधित है, राइट टू फ्रीडम है आपका, ठीक है, आजादी का अधिकार होता है, ठीक है। तो आपने आर्टिकल 19 के अंदर नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ पढ़ लिया कि भाई आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता से संबंधित है, किस प्रकार की स्वतंत्रता है वो पढ़ लो एक बार, ठीक है ना। तो देखो मूल अधिकार ना आपको सिर्फ इतना भी याद रखना है कि मूल अधिकार का मतलब होता है कि जो जो अधिकार आपको होने चाहिए, कैसे, आपको जॉब का अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए, तो वो हो गया आर्टिकल 15, तो वही अगर मैं सॉरी वो हो गया आपका आर्टिकल 60, ठीक है। वही अगर मैं कह रहा हूं कि आपको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए तो वो कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 15। और वही अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए तो वो किसमें आ गया, आर्टिकल 21 में। तो लेकिन मुझे कैसे ये सब याद है, मुझे तब याद हुआ जब मैंने इतने अपने टॉपिक्स का कर लिए, इंपॉर्टेंट कर लिए, बिल्कुल एकदम रट लिए, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये जो आपके चार पांच टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको एक बार पढ़ोगे, इनको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तब आप आगे क्या करोगे, आगे का स्टेप्स बढ़ोगे, ठीक है। तो अभी तो मैंने क्या बताया आपको, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ने, ठीक, जब आपने पूरा पढ़ लिया फिर इसके बाद नंबर आता है आपका आर्टिकल्स के बारे में, इसके बारे में आता है आर्टिकल्स के बारे में और शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। और जब शेड्यूल्स और आर्टिकल्स हो जाए आपके तो उसके बाद ही आप किसके आगे बढ़ोगे, एमसीक्यूज पे। तो ये बहुत बेसिक है, छोटी से स्टेप्स है, अगर कायदे से फॉलो करोगे तो उम्मीद करता हूं कि आपको लाभ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलो आज थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं आपसे सिलेबस के बारे में पहले, ठीक है, तो ये भी जरूरी है क्योंकि तो आगे के जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होंगे, कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कहां पे क्या कैसा पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं बात करूं आपसे सिलेबस की, ठीक है, तो सिलेबस के अंतर्गत यहां पे आपको जो सबसे पहले पढ़ना पड़ता है तो वहां इसमें आपके लिए हो जाएगा प्रीएम्बल, क्या हो जाएगा आपके लिए प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना, ठीक है। एक तो हो गया प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट इसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो है आपके लिए मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हो जाएगा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बड़े आराम से समझना, कोई यहां पर हड़बड़ी ना होने पाए, यानी कि संविधान का निर्माण, ठीक है, ये हो गया संविधान का निर्माण, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट है आपके लिए यहां पे संवैधानिक विकास, क्या हो जाएगा आपका संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई, अभी तीन चैप्टर्स जा रहे हैं, अभी बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है, ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं। तो देखो संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बाद आप जो टॉपिक पढ़ेंगे उसे हम लोग कहते हैं यहां पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो देखो पहले अभी तक समझ लो कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना होता है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो देखो इसमें जो अभी तक आपने देखा प्रस्तावना के अंतर्गत जो भी मूल भावना है संविधान की वो दी जाती है, वही हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी किस प्रकार से संविधान को बनाया गया ये बताया जाता है। और अगर मैं बात करूं आपसे
संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, तो अलग अलग प्रकार के एक्ट्स आते हैं, उन एक्ट्स के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्या है आपका राज्य एवं नीति, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश, तो जिस किस प्रकार से राज्यों का निर्माण होता है, कैसे राज्य आप अपने देश में लगा सकते हैं, कैसे आप अन्य राज्यों को दे सकते हैं, कैसे दो राज्य आपस में मिलेंगे, ये सब किस में चढ़ते हैं हम लोग राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नागरिक, ठीक है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। ठीक है, तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार से नागरिकता दें, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागरिकता के बाद यहाँ पे आप जो पढ़ते हैं वो है मूल अधिकार। क्या पढ़ते हैं? मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उम्मीद करना यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, तो ये तो हो गए आपके आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स, अभी बहुत है। ठीक है, चलो तो इसको मैं थोड़ा सा रब किए दे रहा हूं ताकि आगे भी बढ़ सके हम लोग। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बाद जो आपका अगला चैप्टर आता है वो है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बाद आएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या आएगा? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। डीपीएसपी क्या था? राज्य के नीति निर्देशकता, तो भूलिएगा नहीं कृपया। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसके बाद जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं संसद के बारे में, बहुत ही आसान आसान से है लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए संसद के बाद जो आपका आता है वो आता है राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा इसे हम लोग पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में भी, मतलब कौन से पहले राष्ट्रपति थे, कौन से जो है वर्तमान समय में राष्ट्रपति है, अभी राष्ट्रपति कौन है आपके? रामनाथ कोविंद, तो उनके बारे में जानना पड़ता है कौन से नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वो पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और यही अगर मैं बात करूं उच्चतम न्यायालय भी पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ हमें हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक हो गया सुप्रीम कोर्ट और दूसरा क्या हो गया? हाई कोर्ट हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया और उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे एक और टॉपिक लिख लेते हैं प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए कोर्ट हो गया, संसद हो गई, राष्ट्रपति हो गया, अभी भी क्या बचा है यहाँ पे? अभी बची है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्या बची है हमारी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक एक टॉपिक को बहुत ही विस्तृत में और मजेदार ढंग से पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि संवैधानिक संस्थान, संवैधानिक संस्थान। तो ये हम लोग कब इसमें पढ़ेंगे? पॉलिटी के अंतर्गत। ठीक है, अभी भी एक दो टॉपिक्स और थोड़े से बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए इसके बाद जो आपके लिए एक दो टॉपिक्स और बचे हैं उसके अंतर्गत, एक तो हो गया देखो, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी कि गैर संवैधानिक संस्थान। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया आपको? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना होता है वो भी बता देता हूं मैं आपको। इसके अंतर्गत फिर हम पढ़ेंगे पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, किस प्रकार से उसको हम लोग अलग अलग विभक्त करते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती है आपकी? पंचायती राज के अंतर्गत। ठीक है, आपका आर्टिकल जो है कौन सा है, कौन से भाग में आता है, कौन से शेड्यूल में आता है, ये सारी चीजें हम लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, हमें कोई और भी टॉपिक होगा तो हम लोग मिसलेनियस में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आज के लिए सिलेबस के अंतर्गत। तो ये जो अभी आपने जो सिलेबस देखा, इस सिलेबस के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक के जो क्वेश्चन होते हैं एक बार क्वेश्चन भी ले लेंगे और एक बार उसके टॉपिक को भी समझते चलेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए, अच्छे से सुनते हुए साथ में बढ़ेंगे और पॉलिटी को क्या करेंगे? पूरे तरीके से कवर करके एग्जाम जरूर निकालेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे आपके लिए? एग्जाम निकालना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको मेरी बात पसंद आई होगी। ठीक है, तो जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हुआ हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखो, जहां पर भी आपको मेरी सहायता चाहिए हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, और तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।